हमने दो क्लास ले ली मेवाड़ की हिस्ट्री की, और हमने बापा रावल से लेकर और कहाँ तक के राजा पढ़ दिए, हमीर हमीर तक के राजा हमने पढ़ दिए थे। तो पहली क्लास में हमने पढ़े थे बापा रावल के बारे में पढ़ा था, अल्लट के बारे में पढ़ा था और जयत्र सिंह के बारे में पढ़ा था, उनके बारे में मैंने आपको रिविजन कल करवा दिया था। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था फिर रतन सिंह के बारे में और उसके बाद हमीर के बारे में। जल्दी से फटाफट आपको उनका रिविजन भी एक बार करवा दूँ, फिर अपने आज की नई क्लास ले लेंगे। दो राजाओं के बारे में आपको बताना है, एक तो रतन सिंह के बारे में और एक अमीर के बारे में। रतन सिंह के बारे में सीधी सीधी सी बात है कि इसी के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। कब अटैक किया था मेरा बताया हुआ 1303। अटैक किया था, अटैक में दो चीजें याद रखनी होती है, एक याद रखने होते हैं कारण, एक याद रखने होते हैं कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। कारण क्या थे हमने पढ़े थे, अलाउद्दीन खिलजी एम्पायर एक्सपांशन करना चाहता है अपना, साम्राज्यवादी नीति है। फिर हमने पढ़ा था कि चित्तौड़ का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था, चित्तौड़ का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था। फिर हमने इसके बाद में पढ़ा था कि जब वो अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जा रहा था तब उससे पैसे ले लिए थे समर सिंह नाम के राजा रतन सिंह के जो पिताजी थे, इसलिए उसके लिए प्रेस्टीज पॉइंट था। फिर हमने पढ़ा था कि चित्तौड़ का प्रभाव बढ़ रहा था, इन्फ्लुएंस जो था वो इंक्रीज हो रहा था, और एक कारण मैंने पढ़ा था कि पद्मिनी की वजह से किया था हमला किया। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो मैंने फिर आपको बताया था पद्मिनी के बारे में, पहले पद्मिनी के बारे में कुछ बातें बताई थी। क्या बातें बताई थी कि सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, मम्मी पापा के नाम बताए थे कि गंधर्व सेन की और चंपावती की पुत्री थी। किसने उसके बारे में बताया था, तो मैंने बताया था आपको राघव चेतन नाम के बंदे ने उसके बारे में बताया था। और परिणाम देख लो आप, तो क्या हुआ, तो यहाँ पर उस टाइम साका किया गया। कब किया गया, तो हमने पढ़ा था 25 अगस्त को। साके में दो बातें होती है मैंने बताया था, एक होता है जौहर, एक होता है केसरिया। जौहर किसने किया, तो पद्मिनी ने, अकेले ने किया नहीं साहब, 1600 अन्य रानियों के साथ किया। केसरिया किसने किया, तो रतन सिंह, साथ में और कौन, तो उसके दो सेनापति, वो कौन थे, तो गोरा बादल। फिर क्या हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा करने के बाद में यहाँ पे 30,000 लोग कटवा दिए, अपने बेटे खिजर खान को सौंप के इसका नाम क्या कर दिया, खिजराबाद। धाइबी पीर वाली जो दरगाह है उसमें इसका नाम खिजराबाद मिल जाता है अपने, धाइबी पीर वाली दरगाह के अंदर इसका नाम। फिर हमने पढ़ा ये जो खिजर खान था, इस खिजर खान ने यहाँ पर एक तो पुल बनवा दिया गंभीरी नदी पर, एक मकबरा लिखवाया, उस मकबरे में एक फारसी भाषा का अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन, और उस इंस्क्रिप्शन के अंदर हमने पढ़ा कि उसकी उपाधियां मिलती है अपने को अलाउद्दीन खिलजी की, उसको सिकंदर सेकंड कहा हुआ है, उसको सेड ऑफ गॉड कहा हुआ है, उसे प्रोटेक्टर ऑफ वर्ल्ड कहा हुआ है। कुछ दिन वो रहा था और उसके बाद मालदेव सोनग्रह को दे दिया था, और मालदेव सोनग्रह का एक नाम और मैंने बताया था आपको, उसका नाम मुछाड़ा मालदेव है ना। और फिर मैंने दो तीन बुक्स बताई थी, एक मैंने बुक्स बताई थी खजाइनुल फुतुह है, इसी का एक नाम और बताया था तारीख अलाई, एक बुक बताई थी पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी 1540 अवधी भाषा के अंदर एक लिखी हुई बुक, और खजाइनुल फुतुह है का दूसरा नाम तारीख अलाई, अमीर खुसरो की लिखी हुई किताब। ये सब तो हमने रतन सिंह के बारे में पढ़ा, हमीर के बारे में मैंने बताया था दो ही बातें पढ़नी, एक उसके विजय अभियान, एक उसकी उपाधियां। विजय अभियान तो इसने चित्तौड़ वापस छीना था, फिर मैंने बातें बता दी थी सिसोदा से गया इसलिए सिसोदिया हो गए, इसके बाद से राणा टाइटल आया, उससे पहले टाइटल रावल लगता था, और जो अंतिम कोई रावल था तो अंतिम रावल रतन सिंह था। फिर एक हमने पढ़ा कि इसने सिंगोली का युद्ध लड़ा, और सिंगोली वाले युद्ध के अंदर इसने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराया था, और जब इसका चित्तौड़ पर कब्जा हो गया तो इसने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया था। बरवड़ी माता इनकी इष्ट देवी है, इनको अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं, इनकी जो कुल देवी है वो बाण माता है। एक फिर हमने इसकी उपाधियां पढ़ी, तो सीधे सीधे चार उपाधियां मैंने आपको बताई थी कि हमीर की उपाधि क्या क्या है। तो हमीर की एक उपाधि हमने पढ़ी थी विषम घाटी पंचानन, एक उपाधि पढ़ी थी वीर राजा, एक उपाधि मैंने बताई थी प्रबल हिंदू, और एक इसको कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक।
सिंपल सा आप यूं शुरू शुरू में जब भी नया चैप्टर पढ़ने बैठो उससे पहले पुराने वाले का रिवाइज किया करो, पुराने वाले में की पॉइंट्स बना के रिवाइज कर लिया करो। तो ये देख लो आप सारे, कल की पूरी जो क्लास थी हमने पूरी रिवीजन कर ली, बाय मुश्किल 5-10 मिनट लगते हैं, इतने में अपना रिवीजन हो जाता है। अब अपने नई क्लास ले लेते हैं, नए राजा ले लेते हैं, कौन कौन हुए थे, चलो तो आगे वाले पढ़ लेते हैं अपने।